हेलो एवरीवन, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं ललित यादव बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको आज पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या पल्स ऑक्सीमीटर ये बता सकता है कि कोविड का इन्फेक्शन है? पल्स ऑक्सीमीटर से सिर्फ इतना ही बताता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। या हमें इससे ये भी हो सकता है कि हमें कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हमें कोई न्यूमोनिया हो सकता है। इससे हमें यह पता लगता है SpO2 से। यदि आपका SpO2 कम हो रहा है, दैट मींस आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक तरह से पल्स ऑक्सीमीटर आपका एक मार्कर की तरह कार्य करता है। क्या मुझे भी पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना चाहिए? पल्स ऑक्सीमीटर उन्हें खरीदना चाहिए जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो या कोविड के सिम्टम आ रहे हो। उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि यदि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, SpO2 लेवल कम हो रहा है, तो उन्हें पहले से पता लग जाए कि अपना SpO2 काउंट कम आ रहा है, ताकि वो डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सके। अब आप बार बार ये बता रहे हो कि SpO2 तो SpO2 होता क्या है? SpO2 ये होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन मात्रा कितनी है या ब्लड में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कितनी है। तो आपको पता ही होगा कि कोविड में मोस्टली डेथ हो रही है, उसका मेन कारण है कि ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना या सेचुरेशन बिगड़ रहा है। अब कोई बोल रहा है क्योंकि लंग्स उनका सेचुरेशन 30% आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लड में उनका 30% ऑक्सीजन की घुलनशीलता है, बाकी नहीं है। तो इससे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो रही, इसके कारण वो लंग्स डैमेज होते जा रहे हैं। अब जब हमें कोविड होता है तो लंग्स में फ्लूड का एक्युमुलेशन हो जाता है। जिससे लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स जो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अब पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर एक तरह से एक मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। जैसे ही आपने फिंगर को पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर रखा, जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं इसका वीडियो पूरा बना के दिखा दूंगा। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर जो रहता है मैकेनिज्म की कार्य करता है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर को आपने फिंगर के नीचे रखा, तो फिंगर की जो नीचे जो रहती है ब्लड वेसल्स रहती है, तो लाइट का जो क्या लाइट फ्रॉम रेड ब्लड वेसल्स को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? जैसे ही आपने फिंगर को पल्स ऑक्सीमीटर के नीचे रखा, तो फिंगर के नीचे क्या रहती है? ब्लड वेसल्स रहती है, तो लाइट फ्रॉम पल्स ऑक्सीमीटर क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमारा सेचुरेशन पता चल जाता है। ये होता है। अब मैक्सिमम इसके लिए सावधानी क्या रखना चाहिए? पल्स ऑक्सीमीटर हमने यूज करते समय हमें नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, और हाथ को टेबल पे रख के पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करना चाहिए। मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि SpO2 क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है। तो मैं अब फिंगर को पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर रखा, इसकी जो रीडिंग आ जाती है वो 23 से 32 सेकंड के अंदर आ जाती है। तो इनका SpO2 काउंट है 96, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है 96% है, और जो पल्स रेट है इनका 89-87। तो नॉर्मल जो पल्स रेट रहता है वो 60-100 होता है, और जो SpO2 काउंट रहता है वो जो 95-100 होता है। यदि आपका SpO2 काउंट 90 से कम आ रहा है तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम पल्स कैसे नापते हैं, या हमारा ब्लड में SpO2 काउंट कैसे पता करते हैं, ये आपने देखा। इसके बाद में मैं कुछ इंस्ट्रक्शन में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कर रहे हो तो आपको टेबल पे हाथ रखकर करना चाहिए, और हमें नेल्स पे नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि जो हमारी जो ब्लड जो नेल्स के जो जो फिंगर के नीचे जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारा SpO2 काउंट चेंज हो सकता है या सही से रीडिंग नहीं आएगी। इसलिए हमें इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या हमें हमारी हमारी जो फिंगर रहती बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होनी चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एंड में यही कहना चाहता हूँ कि कोविड का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो अपने आप को सेफ रखिए, घर से बाहर निकलिए, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहे, मास्क का यूज करें। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।